₹100 तेल, मोदी सरकार फेल। देश में लगातार बढ़ रही डीजल पेट्रोल की कीमतों और महंगाई के खिलाफ प्रेस वार्ता कर कांग्रेस नेता पूर्व विधायक अब्दुल सगीर खान केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला। सगीर खान ने कहा कि मोदी सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को बुरी तरह से तबाह कर दिया और अब महंगाई की मार देश की जनता को झेलनी पड़ रही है। मोदी सरकार के कार्यकाल में महंगाई से आम आदमी का जीना मुहाल हो रहा है। सरकार हर फ्रंट पर फेल साबित हुई है। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, सरसों के तेल के दाम केंद्र ने इतने बढ़ा दिए हैं कि आम जनता की पहुंच से दूर है। पूर्व सभापति रितेश शर्मा ने कहा कि आज देश में चारों तरफ भय और अराजकता का माहौल है। कोरोना महामारी से निपटने में भी मोदी सरकार पूरी तरह फेल रही है। इसी नकारा और निकम्मी मोदी सरकार को सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। प्रेस वार्ता में पूर्व मंत्री अब्दुल सगीर खान, पूर्व सभापति नगर परिषद धौलपुर रितेश शर्मा, श्रीमती डॉक्टर शालिनी, श्रीमती ऋतु पांडे, सगीर खान छावनी, रहमान मिर्जा, आफ्ताबाद अहमद, हज कमेटी अध्यक्ष सुलेमान फारूकी, वक्फ बोर्ड अध्यक्ष मुन्ना अब्बासी, दीपक बाथम, मजीद खान, इरफान खान, चंद्र प्रकाश शर्मा, वीरेंद्र कुमार सहित प्रमुख कार्यकर्ता मौजूद रहे। धौलपुर इंडियन रेडक्रॉस सोसाइटी धौलपुर तत्वावधान में बुधवार को बड़ा पीर धौलपुर में जिला कलेक्टर के निर्देशन में आयोजित वैक्सीनेशन शिविर में क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों पार्षद आजाद उस्मानी एवं किशन सिंह कुशवा की अगुवाई में आमजन ने बड़ी संख्या में महिला एवं पुरुषों ने वैक्सीन लगवाई। क्षेत्रीय पार्षद आजाद उस्मानी एवं किशन सिंह कुशवा ने आमजन से जनसंपर्क कर अधिक से अधिक वैक्सीन लगवा कर अपने परिवार को कोरोना से सुरक्षित रखने की बात कही। रेडक्रॉस के सचिव संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा आयोजित वैक्सीनेशन कार्यक्रम में जिले में कोरोना की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए भीषण महामारी से बचाव के लिए आमजन में वैक्सीनेशन के प्रति जोश देखने को मिला है। राजस्थान प्रशासनिक सेवा परीक्षा RAS 2018 में चयन कर मुकेश कुमार गुर्जर ने अपने गांव मानपुर व धौलपुर जिले का नाम रोशन किया है। मुकेश कुमार गुर्जर का जीवन काल संघर्षपूर्ण रहा है। उन्होंने कठिन परिश्रम कर सन 2007 में राजस्थान पुलिस में चयन हुआ। इसके बाद सन 2012 में तृतीय श्रेणी अध्यापक परीक्षा में जिला टॉप किया। फिर सन 2019 में माध्यमिक शिक्षा में प्रधानाध्यापक बनकर संभाग भरतपुर टॉप किया। अब कठिन मेहनत के बल पर राजस्थान प्रशासनिक सेवा परीक्षा RAS में चयन कर अपने परिवार, अपने गांव मानपुर व धौलपुर जिले का नाम रोशन किया है। मुकेश कुमार गुर्जर हमेशा से ही संघर्षशील रहे हैं। मुकेश कुमार गुर्जर का परिवार सैनिक पृष्ठभूमि से रहा है, जिसमें इनके पिता रामलाल गुर्जर सैनिक थे, जिन्होंने अपने जीवन में ईमानदारी से देश सेवा की तथा अपनी संतानों को ईमानदारी व देश प्रेम के रास्ते पर चलने का संदेश दिया। मुकेश कुमार गुर्जर का बड़ा भाई गंगाराम गुर्जर, जो कि एक सरकारी अध्यापक है, जो सामाजिक कार्यों में भागीदारी निभाते हैं, जो राजस्थान शिक्षक संघ एकीकृत के प्रदेश उपाध्यक्ष व अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा के राष्ट्रीय महामंत्री है। मुकेश कुमार गुर्जर का परिवार देश सेवा व समाज सेवा से जुड़ा रहा है। धौलपुर में कोरोना महामारी के कारण स्कूल करीब एक साल से बंद है, जिसके चलते छात्र स्कूल की कक्षा में पढ़ाई से वंचित है और छोटे बच्चे जो सिखाया उसको भी भूल चुके हैं। ऐसे में राज्य के उच्च प्राथमिक विद्यालय शेरपुर के शिक्षकों ने टोली बनाकर घर घर जाकर स्माइल 3 कार्यक्रम के तहत बच्चों को गृह कार्य देकर शिक्षण कराया जा रहा है। विद्यालय के प्रवेश उत्सव प्रभारी राजेश शर्मा ने बताया कि छात्र छात्राओं की पढ़ाई बाधित ना हो, इसके लिए पहली से लेकर कक्षा 8वीं तक के लिए वास स्थान व कक्षावार एजुकेशन रजिस्टर तैयार किया है, जिसके तहत स्कूल के सभी शिक्षक रोजाना अलग अलग कक्षाओं के छात्र छात्राओं के घर घर जाकर गृह कार्य देकर पढ़ाई करवा रहे हैं। शिक्षकों की इस पहल से अभिभावक बेहद खुश है, जो बच्चे घूमते थे वह पढ़ने में व्यस्त हो गए हैं। प्रभारी अध्यापक राजेश शर्मा के मुताबिक ग्रामीण क्षेत्रों में ऑनलाइन शिक्षण कार्य बेहद चुनौतीपूर्ण है। स्कूल के किसी भी विद्यार्थी के पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है। कुछ चुनिंदा छात्रों के अभिभावकों पर एनरोल्ड मोबाइल है, वह भी मजदूरी एवं खेती के कार्य से बाहर रहते हैं। ऐसे में स्कूल के सभी शिक्षक विद्यार्थियों के घर घर जाकर शिक्षण के साथ गृह कार्य के लिए प्रेरित कर रहे हैं। बुधवार को स्कूल के प्रधानाध्यापिका वंदना राणा के निर्देश पर अध्यापक रामशंकर, सौरभ कुमार, सतेंद्र कुमार, रेखा मीणा, तराना देवी, बिरखुलाल ने अलग अलग वास स्थान पर जाकर छात्रों की क्लास लेकर गृह कार्य एवं साप्ताहिक क्विज के पेपर लेकर सभी छात्रों के पोर्टफोलियो तैयार करने का कार्य किया। बाड़ी नगर पालिका की साधारण सभा की बैठक पंचायत समिति सभागार में आयोजित हुई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा रहे।
उन्होंने कहा कि शहर में जो लाइट की समस्या आ रही है उसको जल्द ही समाधान करवा दिया जाएगा। और चेयरमैन कमलेश देवी ने कहा कि बरसात से पहले सभी नाले नालियों का सफाई कार्य करवा दिया जाएगा। इस मौके पर अधिशासी अधिकारी विजय प्रताप सिंह राठौर ने बताया कि हमारी टीम शहर की हर समस्या को लेकर बेहद गंभीर है। इस दौरान कनिष्ठ अभियंता नागेंद्र सिंह परिहार ने कहा कि सभी पार्षदों एवं कार्मिकों का आपसी समन्वय बनवा कर ही चलना होगा, जिससे कि शहर का विकास हो सके। इस दौरान बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा, चेयरमैन कमलेश देवी, अधिशासी अधिकारी विजय प्रताप सिंह राठौर, कनिष्ठ अभियंता नागेंद्र सिंह परिहार, चेयरमैन प्रतिनिधि होतम सिंह, वाइस चेयरमैन अहमद जमा खान सहित समस्त वार्ड पार्षद एवं पालिका कार्मिक मौजूद रहे। आज कंचन कल्याण संस्था के अभियान आओ मिलकर पेड़ लगाए के तहत संस्था के सदस्य पौरुष बघेल के जन्म दिवस के मौके पर आज राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय पंचगांव में जाकर वृक्षारोपण करवाया गया, जिसके चलते पौरुष बघेल का कहना है कि आज पानी की समस्या है उसका सबसे बड़ा कारण वृक्षों की कमी है। ग्लोबल वार्मिंग प्रतिदिन तेज गति से बढ़ रही है, इसका कारण भी वृक्षों की कमी है। यदि हमें पर्यावरण को संतुलित रखना है तो वृक्ष जरूर लगाए, वृक्षारोपण करें। तथा कंचन कल्याण संस्था धौलपुर के जिला संयोजक नरेश त्यागी ने बताया कि जैसे कि अगर हम सभी अपने अपने जन्मदिवस पर एक एक वृक्ष लगाए तो भारत में हर वर्ष 131 करोड़ से अधिक वृक्ष लग जाएंगे। एवं उन्होंने कहा कि हमारी इस मुहिम से जुड़े तथा वृक्षारोपण कर इस धरती पर अपने मानवता की पहचान दे। इस मौके पर संस्था के सदस्य पौरुष बघेल, नरेश त्यागी, पीयूष कुशवाहा, धर्मेंद्र कुशवाहा, अवनीश पारासर, कल्याण कुशवाहा, प्रधानाचार्य श्रीमती हेमलता सारस्वत एवं शिक्षक शिक्षिकाएं हेमंत शर्मा, अरविंद शर्मा, कमलेश शर्मा, महादेवी बघेल आदि उपस्थित रहे। इसी के चलते पौरुष व संस्था टीम जन्मदिन के मौके पर आगामी समय में 199 पौधे लगाने का संकल्प लिया और बताया कि हम इन पौधों को ऐसे जगह पर लगाएंगे जहां इनका रखरखाव किया जा सके। उपस्थित लोगों ने इस कार्य की सराहना की और संकल्प के लिए बढ़ चढ़कर कार्य करने की बात कही। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत के जिला अध्यक्ष चंद्रभान चौधरी ने आज मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर केंद्र की तर्ज पर डीए 17 से बढ़ाकर 28% किया जाए। महासंघ एकीकृत के जिला अध्यक्ष चंद्रभान ने बताया कि आज केंद्र सरकार ने राज्य कर्मचारियों अधिकारियों का डीए 17 से 28% कर दिया है, जो कि 1 जुलाई से महंगाई भत्ता नकद मिलेगा। संघ ने मुख्यमंत्री से द्वितीय श्रेणी के शिक्षकों के स्थानांतरण तत्काल करने की भी मांग पत्र में की गई है, क्योंकि इन शिक्षकों के स्थानांतरण पिछले 4 साल से नहीं किए गए हैं। ऐसे में हजारों शिक्षक अपने गृह जिले में जाना चाहते हैं। राज्य सरकार को इनकी पीड़ा भी समझनी चाहिए। भारतीय जनता युवा मोर्चा के तत्वावधान में प्रदेश अध्यक्ष हिमांशु शर्मा के निर्देशन पर राजस्थान सरकार द्वारा आम जन पर हो रहे अत्याचारों के विरोध में एवं युवा मोर्चा के साथियों पर हुई बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज के विरोध में आज धौलपुर में युवा मोर्चा के तत्वावधान में सैकड़ों कार्यकर्ताओं द्वारा धौलपुर के गुलाबबाग चौराहे से लेकर जिला कलेक्टर धौलपुर पर महिलाओं पर अत्याचार, दलितों पर अत्याचार एवं लाचार हो चुकी कानून व्यवस्था के विरोध में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा एवं भारतीय जनता पार्टी के SC मोर्चा, ST मोर्चा, OBC मोर्चा, अन्य पदाधिकारी एवं सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ अशोक गहलोत का पुतला फूंका। जिला अध्यक्ष सरवन वर्मा ने कहा कि गहलोत सरकार जनता पर तरस खाए महिलाओं, दलितों और व्यापारियों को कब तक प्रताड़ित करती रहेगी। राजस्थान की भोली भाली जनता अब अधिक अत्याचार नहीं सहेगी। ऐसा ही होता रहा तो आम जनता गहलोत सरकार के खिलाफ जन आंदोलन मोर्चा खोलेगी। युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष भूपेंद्र घुरैया ने कहा कि पूरा राजस्थान की आम जनता अत्याचारों से त्रस्त है। दलितों का सरेआम नरसंहार, महिलाओं पर अनैतिक अत्याचार, लूटपाट और चोरी की घटनाओं ने राजस्थान की जनता के दिल को दहला दिया है। इस अवसर पर युवा मोर्चा प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य उपेंद्र कुशवाहा, युवा मोर्चा अध्यक्ष भूपेंद्र घुरैया, जिला उपाध्यक्ष राजीव रस्तोगी, कैलाश सोनी, कमल पहाड़िया, दया दुबे, नीतू यादव, नेता प्रतिपक्ष कुकु शर्मा, नगर महामंत्री मुकेश सक्सेना, SC मोर्चा के विक्रम सिसोदिया आदि लोग मौजूद रहे। ये जो गहलोत सरकार के अंतर्गत आए दिन लूटपाट, बलात्कार, इस तरह की घटनाएं हो रही है। अभी झालावाड़ में कृष्णा वाल्मीकि करके कोई कार्यकर्ता था, कोई व्यक्ति था, उसकी हत्या कर दी बीच चौराहे पर। तो आए दिन इस प्रकार से जो आरोपी हैं
खुलेआम घूम रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो युवा मोर्चा पुरजोर तरीके से इसके खिलाफ आवाज बुलंद कर रही है पूरे राजस्थान में, और इस गहलोत सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए आज संकल्प हुए हैं। और इसी प्रकार जिस प्रकार आज जिले स्तर पर कार्यक्रम किया है, मंडल बाड़ी कंचनपुर जिला पुलिस अधीक्षक केसर सिंह शेखावत द्वारा जिले में चलाए जा रहे स्थायी वारंटियों के धरपकड़ अभियान के तहत कल कंचनपुर थाना प्रभारी देवेंद्र कुमार शर्मा ने कार्यवाही करते हुए 2 साल से फरार चल रहे स्थायी वारंटी कृष्ण पुत्र विजय सिंह जाति ठाकुर निवासी रेवियापुरा थाना बसेड़ी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। बाड़ी कंचनपुर जिला पुलिस अधीक्षक केसर सिंह शेखावत के द्वारा जिले में चलाए जा रहे अवैध हथियारों के धरपकड़ अभियान के तहत आज कंचनपुर थाना प्रभारी देवेंद्र कुमार शर्मा के नेतृत्व में मुखबिर की सूचना पर कार्यवाही करते हुए आरोपी केदार पुत्र हिमाचल जाति गुर्जर निवासी गजपुरा हाल निवासी हिमाचल के अड्डा कंचनपुर के कब्जे से एक बंदूक सिंगल शॉट 315 बोर में 3 कारतूस और दूसरे आरोपी प्रदीप पुत्र हिमाचल जाति गुर्जर गजपुरा के कब्जे से एक कट्टा अवैध 315 बोर में 2 कारतूस बरामद करने में सफलता हासिल की है, जिसमें QRT टीम के कन्नी राकेश कुमार व संतोष कुमार कन्नी की अहम भूमिका रही है। साथ ही आरोपियों को गिरफ्तार कर अनुसंधान जारी है। धौलपुर पैरों से विकलांग महिला को पति होने के बाद भी पति का सुख नहीं मिलने पर पैरों से विकलांग महिला एवं 2 बच्चों के परवरिश के कारण आत्मदाह करने के संबंध में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम पर धौलपुर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा कि मैं महिला सुरमिला देवी पत्नी बनवारी लाल निवासी गोपालपुरा थाना शमशाबाद जिला आगरा की रहने वाली हूँ तथा महिला पैरों से विकलांग है जो किसी भी प्रकार से कोई भी कार्य करने में असमर्थ है तथा पैरों से विकलांग महिला के पास 2 बच्चे आराध्य एवं पुत्र अनमोल है जो कि विकलांग महिला के पति बनवारी लाल के वेतन पर निर्भर है। यह कि विकलांग महिला के पति बनवारी लाल जन स्वार्थीय अभियांत्रिक विभाग राजाखेड़ा धौलपुर में हेल्पर के पद पर विकलांग मुक एवं बाधिर श्रेणी में तैनात है तथा जिसकी शादी बनवारी लाल के साथ करीब 15 साल पूर्व में हुई थी तथा प्रार्थिया का परिवार शमशाबाद आगरा में निवास करता है तथा वर्तमान में 2 बच्चे बीमार है तथा लड़का अनमोल का होंट का ऑपरेशन करीब 10 माह पूर्व डॉक्टर साहब ने करने के लिए बोल दिया है तथा पैसा न होने के कारण से ऑपरेशन नहीं हो पा रहा है। विकलांग महिला के पति बनवारी लाल को उसके परिवार एवं विभाग के लोगों के द्वारा गुमराह किया जाता है और अपने निजी स्वार्थ के लिए बहलाकर फुसलाकर उससे वेतन के पैसा निकालकर अपना कार्य किए जाते रहे हैं। हम बताएं क्या समस्या है आपकी? भैया मैं ऑफिस जाती हूँ, ऑफिस भी मुझे बजा देते हैं, कलेक्टर साहब के यहाँ रोज आना पड़ रही हूँ। मुझे एक बेटी एक बेटा है, मुझे 4 महीने से एक पैसा नहीं दे रहा है मेरा आदमी, और मुझे यही भगा भगा के मार डाला, मेरे कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।